हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राइट इन्फॉर्मर चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फोन को फास्ट कैसे कर सकते हैं। आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार आप देखते होंगे कि आपका फोन जो है बहुत स्लो हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि किस तरह से आपका फोन स्लो होता है और कैसे आप इसको बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, 3 स्टेप है, बस आप इस पूरी स्टेप को देख लीजिए और आप खुद अपने फोन के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फोन का जो फास्टनेस है डाउनलोडिंग का या इंटरनेट चलने का या कोई भी ऐप से ऐप टू ऐप स्विच होने का, वो बिल्कुल फास्ट हो जाएगा। आपका फोन बिल्कुल तेजी से चलेगा, कोई भी लैगिंग नहीं होगा आपके फोन के अंदर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो दोस्तों, आपके पास जो भी एंड्रॉयड फोन होगा, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला जो काम करना है वो आपको अपने फोन के सेटिंग के अंदर जाना है। जैसे देखिए, ये फोन के अंदर यहाँ पे सेटिंग है और मैं बता रहा हूँ वीवो फोन के ऊपर। आपके पास दूसरा फोन होगा लेकिन आपको जाना है सबसे पहले सेटिंग के अंदर, और सेटिंग में जाकर के आपको सबसे पहले जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि आपके फोन के ऊपर कोई नया अपडेट आया है या नहीं आया है सॉफ्टवेयर का। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी है, आपको वो भी ध्यान देना है। आप जाएंगे सेटिंग के अंदर और सेटिंग में ऐसे चेक करेंगे कि आपके फोन के अंदर कोई नया अपडेट आया है या नहीं आया है। देखिए, यहाँ पे कोई भी अपडेट आता है तो यहाँ पे सिस्टम के अंदर यहाँ पे दिखाई देता है कि आपके फोन के अंदर कोई अपडेट है या नहीं है। तो इसी तरह से आप अपने फोन के अंदर सबसे पहले जाकर के ये चेक कीजिएगा। जैसे देखिए, मैं सिस्टम के अंदर जा रहा हूं और यहां पे चेक कर रहा हूं कि फोन के अंदर कोई अपडेट आया है या नहीं आया है। तो आपको यहां पे सीधे ही दिखाई देगा, अगर आपके फोन के अंदर कोई भी नया अपडेट आया होगा तो यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा कि आपके फोन के अंदर अपडेट आया है। और आपको अगर कोई भी अपडेट नया मिलता है तो आपको बिल्कुल अपडेट करना है उसको। सबसे पहला काम आपको यही करना है, अपडेट करना है दोस्तों। जैसे देखिए, यहाँ सिस्टम अपडेट, आप इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए, अभी डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे अपडेट आया है या नहीं आया है, लेकिन हम इसको ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट में डाल के रखे हैं कि अगर कोई भी नया अपडेट आता है तो ये अपडेट ऑटोमेटिकली कर लेता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, कैच ये है दोस्तों कि यहाँ पे आपको आपको देखना है कि आपका फोन कितना पुराना है। अगर आपका फोन 2 साल तक का है तो ही आप यहाँ पे कोई भी सिस्टम अपडेट आता है तो आप कीजिएगा। अगर 2 साल से ज्यादा पुराना है तो आपको नहीं करना है, नहीं तो उल्टे आपके और भी फोन के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपडेट चेक करना है। अगर आपका फोन 2 साल से कम का पुराना है, 2 साल तक का पुराना है तो आपको उसको अपडेट कर लेना है। दूसरा काम क्या करना है, फिर से जाना है सेटिंग में और आपको जाकर के सेटिंग के अंदर आपके फोन के अंदर जितने भी ऐप होंगे दोस्तों वो यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। जैसे ऐप के सेक्शन में अगर आप जाएंगे, जैसे हम ऐप के सेक्शन में चले गए हैं तो यहाँ पे सारे ऐप दिखाई देते हैं, जैसे सी ऑल 90 एप्स, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे एंड्रॉयड सिस्टम का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्टोरेज एंड कैचेस, तो यहाँ पे स्टोरेज एंड कैश के ऊपर क्लिक करना है। और देखिए इस फोन के अंदर कितना कैश हो रखा है, देख रहे हैं 1.87 MB, मोटा मोटी 2 MB यहाँ पे कैश ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कैश है ना, आपको क्लियर कैश का ऑप्शन मिलता है, ये क्लियर कैश करना है दोस्तों। देखिए, होता यह है कि जितने भी चीज आप फोन पे खोलते हैं वो सारे स्टोर होता है और कैश फाइल उसका बनते जाता है और फिर आपका फोन धीरे धीरे स्लो होते जाता है। तो आपको यहां से सारा, जैसे अभी मैंने कैश को पूरे डिलीट कर दिया, देखिए यहाँ पे 0 हो गया। तो इस तरह से आपको ये दूसरा काम करना है कि जितने भी आपके ऐप हैं उसके कैश को डिलीट कर देना है, क्लियर कैश कर देना है। ठीक है, अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों वो ये है कि आपको अपने फोन को रीस्टार्ट करना है, सिंपली रीस्टार्ट करना है। देखिए, आप अगर बहुत ज्यादा रीस्टार्ट, अगर दिन में एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं तो
बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर पाते हैं दिन में एक बार, तो कम से कम आपको हफ्ते में एक बार दो बार जरूर अपने फोन को रीस्टार्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका फोन साल साल पर छह महीना हो जाता है और अपने फोन को रीस्टार्ट नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका फोन स्लो हो जाता है। इसलिए आपको अपने फोन को एक बार हफ्ते में दो बार या अगर डेली करते हैं रीस्टार्ट तो बहुत अच्छा है। अगर आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपका फोन का स्पीड काफी अच्छा रहेगा। तो ये तीन काम कीजिए और आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये टेस्टेड टिप्स है और इससे फोन का काफी स्पीड बढ़ जाता है। बस आपको यही तीनों काम करना है और आप देखेंगे कि आपके फोन की जो स्पीड होगी वो काफी फास्ट हो जाएगी और जो लैगिंग का प्रॉब्लम था वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि अगर आपके फोन के अंदर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल पे उसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।